जनाब इस दफा बिजली का बिल कितना आया आपको? 3000। 3000 आया है? बड़ा कम आया होगा। क्या आप वापडा में काम करते हैं, लेस्को में काम करते हैं? नहीं, वो सोलर लगे हुए हैं। सोलर लगाए हुए? अच्छा, सोलर लगाए हुए हैं। तो फिर आप तो लोगों को यही तजवीज़ देंगे सोलर, लेकिन उसकी भी तो बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, बिजली का तो कंजम्पशन तो होती है। नहीं, मैंने वो चार्जिंग वाला काम ही नहीं रखा हुआ उसका, मैंने वो डायरेक्ट सोलर पे चार्ज यूज किया। चले थोड़ा सा हमें सिस्टम बताएं कि वो क्या आप लोग, आपने घर के अंदर सिस्टम बनाया हुआ है उसमें किस तरह से आवाम बच सकती है? जैसे आपने बताया आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं, ये भी बताएं। फ्रिज है और क्या कहते हैं, वाशिंग मशीन है, कूलर वगैरह या एसी? नहीं, एसी कूलर वगैरह। अच्छा, और कितने कमरे हैं, कितने पंखे हैं, कितनी लाइट्स हैं, और फिर आपका बिल 3000 है? कमरे हमारे तकरीबन 9 कमरे हैं। 9 कमरे हैं? 9 कमरे यूज एक होता है। 9 कमरों में क्या होता है? कमरा एक यूज होता है। कमरा एक ही यूज होता है? और घर के अफराद कितने हैं? अफराद कितने हैं, 5-4 बेटे हैं और 2 हम भी, 6 लोग हैं। 9 कमरे हैं और कमरा एक इस्तेमाल होता है, वहीं पर लाइट है, वहीं पर है, वही उसी की, जहाँ बैठना सबने बैठना उसी कमरे में, खाना भी खाना उसी कमरे में। यानी कि आप मुकम्मल हिकमत अमली से चल रहे हैं, इस वजह से आपको बिल खासा कम आया। चले अच्छा ये बताएं कि सोलर जो पैनल आपने घर में इंस्टॉल किया उसके कितना खर्चा आया, ताकि अगर आवाम लगवाना है? 5-6 साल पहले लगाया था, 50,000 रुपया खर्चा आया था। 2 प्लेटें लगाई थी और क्या कहते हैं सोलर वो बैटरी थी। 5 साल में कोई इसमें कोई फॉल्ट नहीं आया, कोई बैटरी की तब्दीली नहीं करनी पड़ी? बैटरी एक दफ़ा तब्दील की। यानी कि आप मुतमईन हैं? चलो।